हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार बिलेट्रॉन का एक वैकेंसी आया है, उसमें जो है सो क्या क्या जरूरत है फॉर्म भरने के लिए उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में जो है सो बिलेट्रॉन में क्या काम करना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में जो है सो उत्तर प्रदेश का जो की उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया था, वो जो है सो लगातार दो दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, आज का क्या स्टेटस है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जैसे वैकेंसी से रिलेटेड और जैसे पेपर लिख या धांधली होता है तो उससे रिलेटेड हमेशा जो है सो आपको अपडेट कराते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मेहनत करते हैं उनको जो है सो न्याय मिले, और जैसे पेपर लीक हुआ तो कैंसिल हो करके फिर से एग्जाम हो। तो न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा जाते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या जो है सो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि डेट आप जो है सो कब तक अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में देखिए। यहां पर जो है सो 20 फरवरी का जो है आ गया था, 20 फरवरी से 15 मार्च तक जो है सो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि फी क्या लगेगा, इसमें फी जो है सो जनरल ओबीसी ईबीसी अदर स्टेट के लिए 1000 रुपये लगने वाला है, और साथ में देखिएगा एससी एसटी का जो की है उसका जो और फीमेल का है वो 250 रुपये लगने वाला है। तो आगे बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट जो है सो बहुत ही अच्छा छूट दिया गया है कि 18 से लेकर के 59 वर्ष तक के स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भर सकते हैं और जो है सो इसमें जॉब ले सकते हैं। इसका जो है सो एज जोड़ा जाएगा 15 मार्च 2024 से जोड़ा जाएगा, जो कि काउंट किया जाएगा। आगे जो है सो क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में आपको 12 पास होना जरूरी है, उसके साथ साथ देखिएगा कि एडिशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है जो कि बहुत ही इसेंशियल है, इसमें 1 साल का जो है सो कंप्यूटर का कोर्स होना जरूरी है और वो भी एडीसी होना जरूरी है जिसे आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि सैलरी क्या है, तो सैलरी देखिएगा यहाँ पर जो है सो 20,000 के आसपास सैलरी इसमें है, और जो है सो कार्ड छाट के आपको 17,000 मिल जाएगा, और उसमें भी देखिएगा कि जो है सो अगर ज्वाइन करेंगे तो हर साल जो है सो बहुत ही बेनिफिट का है, 10% हमेशा हर साल बढ़ेगा, जितना आपका सैलरी है उसमें 10% हर साल इंक्रीमेंट होगा। आगे देखिएगा जो है सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्जाम लेगा, उसके बाद एक टाइपिंग होगा जो कि हिंदी या इंग्लिश होगा, या तो हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे। उसके बाद देखेंगे कि टोटल वैकेंसी कितना है, तो 6 से 7 हजार का वैकेंसी है जो कि आपको बता चुके थे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है सो 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू पूछा जाएगा मात्र, और 60 ही 60 नंबर जो है सो आप उसमें पूछा जाएगा, और टाइमिंग जो है सो 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद देखिएगा 60 क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो है सो ओनली कंप्यूटर नॉलेज, इसमें जो है सो बिलेट्रॉन का जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर का तैयारी कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि टाइपिंग टेस्ट जो की है सेम डे हो जाएगा, मतलब जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन जो है सो टाइपिंग हो जाएगा, और ज्यादा वैकेंसी होता है तो हो सकता है कि दूसरा दिन या तीसरा दिन आपको टाइम दे करके तुरंत जो है सो टाइपिंग भी लिया जाता है। आगे देखेंगे कि जो है सो इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड कितना होगा, इंग्लिश में टाइपिंग जो होगा उसका स्पीड मात्र 30 वर्ड पर मिनट होगा, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग का जो कि क्या है 25 वर्ड पर मिनट जरूरी है। तो यहां पर हम लोग देखें कि जो है सो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी जरूरी है, और जो है सो सिलेबस क्या है जिसे आप तैयारी करें उसके बारे में बात कर लिए। अगर जो है सो बिलेट्रॉन जो कि जॉब है वो क्या है, उसमें क्या काम किया जाता है, तो देखिएगा वर्क क्या है उसके बारे में बात करें। तो आप सब स्टूडेंट को बता दें कि जो है सो इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का जो है सो काम है, जहां पर आप बैठ करके चाहे तो ब्लॉक लेवल पे या कहीं पे भी आपको रखा जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज और कंप्यूटर के बारे में ही काम करना होगा, मतलब कि ऑनलाइन काम करना होगा कहें तो। उसके बाद करें कि जो है सो परमानेंट जॉब है या मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है सो अगर कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब होगा तो उसमें हम करके क्या कर पाएंगे, तो इसमें जो है सो कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है लेकिन जो है सो परमानेंट हो जाता है, ये कंफर्म है कि अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको हटाया नहीं जाएगा, है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेकिन आपको हटाया नहीं जाएगा जब तक आपका एज एक्सपायर नहीं कर जाता है। तो इसमें आप तैयारी कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि जो है सो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसमें एज भी देखिएगा जो है सो 59 साल तक दिया गया है। एज की बात करें तो जो है सो कितना है, एज जो है सो 18 से 59 साल का है, तो अगर आपका एज एक्सपायर कर गया है तो आप मेहनत कर सकते हैं।
उसके बाद देखेंगे कि जॉब टाइमिंग कितना है। अब जो है सो टाइम कितना आपको मतलब जॉब रहेगा कितना साल तक उसके बारे में बात करें तो एक लगभग 60 जो कि 60 साल तक यहाँ पर देखिएगा कि फॉर्म ही भर सकते हैं। तो जब तक आपका जो है सो रिटायर आप खुद से जो नहीं बोल सकते हैं तब तक जो है सो आपको रखा जाएगा, मतलब कि एक्सपायरी डेट जब तक आपका हो जाता है तब आपको जो है सो रिटायर कर दिया जाता है। आगे देखेंगे कि जो है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है सो इंस्टिंक्ट आपको ज्वाइनिंग नहीं होगा। इसमें आपको बता दें कि जो है सो जब एग्जाम होगा आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपको ये नहीं होगा कि जो है सो रिजल्ट हो गया आपको नौकरी लग गया। आपको जो है सो रिजल्ट लेने के बाद भी 1 साल 2 साल 3 साल तक वेट करना होगा तब जाके आपको कभी ज्वाइन किया जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद आप जो है सो लगातार परमानेंट हो जाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है लेकिन आप परमानेंट हो जाइएगा, आपको हटाया नहीं जाएगा, ये कन्फर्म बोला जाता है इसमें। इसके आगे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सो यूपी पुलिस पेपर जो कि लीक हुआ था उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि छात्र के साथ अगर आप हम भी स्टूडेंट है आप भी स्टूडेंट है कहीं ना कहीं पढ़ते हैं तो हमारा एक ही एम होता है कि कहीं ना कहीं जो है सो एग्जाम अगर कराया जाता है तो हम जहां पढ़ते हैं उसमें जो फॉर्म भरे हैं वो जो है सो हम क्लियर कर पाए और ज्वाइन कर ले जिससे हमारा भविष्य जो है आगे का सेफ हो जाए और जो है सो नौकरी लग जाए और आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। तो ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट की जो है सो पेपर लीक हो गया था और 23 तारीख को भी प्रोटेस्ट कल हुआ और आज भी जो है सो 24 तारीख को जो है सो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन आज भी प्रोटेस्ट हुआ। तो आज प्रोटेस्ट जो है सो बहुत मात्रा में स्टूडेंट आए और जो है सो प्रोटेस्ट में शामिल हुए जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार भी देख ली कि जो है सो इससे हमें घाटा होने वाला है। तो जो है सो योगी जी ने ऑफिशियल जो है सो अपडेट कर दिया कि जो है सो पेपर कैंसिल हो गया है। इससे बहुत खुशी मिला, आप सब स्टूडेंट जो है सो जो मेहनत करते हैं उनको फिर से एक मौका मिला क्योंकि जो है सो वैकेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में था, 50,000 का वैकेंसी था जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं जो है सो रोजगार मिलने वाला था। और रोजगार जो है सो देख ही रहे हैं कि क्या हालत है जो है सो भारत का, रोजगार दर बहुत जो है सो क्या कहा जाए कि रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो कहने की अगर 50,000 वैकेंसी आया है तो उसको सही तरीका से यूज करें और कोशिश करें कि जो है सो सही लोग को जो है सो ज्वाइन कराए। जो ऐसे अभी चोरी चमारी करके जो है सो ज्वाइन करेंगे और वो भी पुलिस वाला भर्ती में तो अंदर जाकर के जो है सो क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको तो बस एक ही मौका होगा कि कैसे भी हमारे पास पैसा है तो क्या समय देश का या तो राज्य का जो है सो भलाई हो सकता है, तो नहीं हो सकता। इससे हमें लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश का जो कि सरकार है योगी आदित्यनाथ जी जो है सो पेपर कैंसिल कराए और बोले हैं कि 6 महीना के अंदर जो है सो पेपर फिर से लिया जाएगा। तो जो इस दिन तैयारी कर रहे हैं आप सब मेहनत कीजिए फिर से, और यही उम्मीद भी थी आपकी और इसी उम्मीद को जो है सो उस पर उतरा भी गया। तो आप सब तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो है सो फिर से उसी तरह तैयारी करके कट ऑफ पार करें और जो है सो अभी रिजल्ट ले लें। और हमेशा जो है सो कोशिश करते हैं कि पेपर लीक ना हो उसके रिलेटेड हमेशा नजर रखते हैं और कोशिश करते हैं अगर पेपर लीक हुआ हो तो कमेंट में यूट्यूब पर हमेशा जो है सो जैसे भी पेपर लीक हुआ उसका प्रूफ दिया गया कि टेलीग्राम चैनल पर या तो बहुत सारा सोशल मीडिया पर जो है सो पेपर लीक हुआ था उसको प्रूफ दिखाया गया कि देखिए जो है सो एग्जाम के 3-4 घंटा या 5 घंटा पहले जो है सो पेपर आ गया था। तो ये भी हमारा जो है सो एक वर्क होता है कि जो है सो पेपर अगर लीक हुआ है तो कमेंट में आप तक लेकर आए और जो है सो सरकार को दिखाने की कोशिश करें कि जो है सो पेपर लीक हुआ है और सरकार इसको मानना पड़ेगा, जैसे अभी जो है सो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जैसे प्रूफ देकर के कैंसिल कराया गया।